अगर आपका आधार कार्ड सस्पेंड हो गया है और आप परेशान हैं तो प्लीज परेशान ना हो, क्योंकि आपका भाई है और आपका पूरा हेल्प करेगा। तो जी गाइस, इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि अगर आपका आधार कार्ड सस्पेंड हो गया है तो कैसे ठीक करें और इसका उपाय क्या है कि आपका आधार कार्ड एक्टिवेट हो जाए, या इसका मैं आपको हर पूरी तरह से जानकारी दूंगा और बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए, आधार कार्ड जो सस्पेंड होता है इसका मेन रीजन तो मैंने एक और वीडियो इस पे डाला है कि आधार कार्ड सस्पेंड क्यों होता है। अगर आपका ये वीडियो है, आधार कार्ड अगर आपका सस्पेंड हो जाता है तो क्या करें, तो वीडियो ध्यान से देखना। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर आपका आधार कार्ड सस्पेंड हो चुका है तो मैं इसका 2-3 रीजन बताऊंगा जिससे आपका रिजेक्ट मतलब सस्पेंड किया जाता है, और अगर आपका सस्पेंड हो गया है तो इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो इस वीडियो में सोल्यूशन ही पहले बताऊंगा क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हैं। तो वीडियो ध्यान से देखना, स्किप मत करना, नहीं तो बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, देखो, आधार कार्ड सस्पेंड हो गया है अगर आपका, तो आपको क्या करना है कि किसी अपने नियर बाय आधार जन सेवा केंद्र पे जाइए और आपके पास 3 डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, डीएक्टिवेट को ही आधार सस्पेंड कहा जाता है। ठीक है, जिससे आप कोई काम नहीं कर सकते, इसे ही आधार सस्पेंड कहा जाता है। और इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये ही मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझ गए। ठीक है, तो आपको किसी आधार जन सेवा केंद्र पे जाना है और 3 डॉक्यूमेंट अगर हो, तीनों में से कोई एक, पहला नंबर हो गया ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरा हो गया पासपोर्ट, तीसरा होगा वोटर आईडी। ठीक है, और ये आपको लेके आधार जन सेवा केंद्र पे जाना है और आपको आइडेंटिफिकेशन जो होता है इसे मतलब प्रूफ देना है कि सर मेरा जो आधार कार्ड का है और पासपोर्ट का है या मार्कशीट का है, ये आधार से रिलेटेड डिसमैच नहीं है, ये सेम है। अगर आपका सेम होता है आधार कार्ड से, इन तीनों डॉक्यूमेंट में किसी एक के मतलब डॉक्यूमेंट मैच होता है, सब सही है, तो आपका एक्टिवेट वो कर देंगे। ठीक है, तो आपको वहां जाना है। और दूसरा नंबर ये है कि आपको अगर ये आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो गया है, जो सस्पेंड हो गया है, उसको अगर नहीं बनवाना है या एक्टिवेट नहीं करना है, तो गाइस आपको यूबीआई की तरफ से ये भी छूट दिया गया है कि आप फ्रेशर आधार कार्ड बनवा सकते हो। ठीक है, तो मेरा राय यही है कि आप जब आपका डाटा मैच नहीं होता है हर किसी डॉक्यूमेंट से, तो आप अच्छा काम करोगे, रीजनल ऑफिस अपॉइंटमेंट लेके जाओ अपने नियर बाय और अपना न्यू आधार कार्ड बनवा लो आप लोग, तो मैं तो यही बताऊंगा। ठीक है, तो आपको अगर कुछ पूछना है सस्पेंड के बारे में या कोई भी आधार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ, आप लोगों का रिप्लाई भी मिल जाता है, और जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो मैसेज करके इंस्टाग्राम पे। तो गाइस वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो मैंने बनाया था, एक भाई मेरे हैं जो कमेंट किए थे कि सर आधार सस्पेंड पे वीडियो बनाइए, इनका नाम है, देख सकते हैं आप, कमेंट किए इन्होंने, तो उस पर मैंने वीडियो बनाया पूरी डिटेल से। तो उम्मीद है भाई आपका शुभम नाम है शायद, आपका ये आधार सस्पेंड जो है ठीक हो जाएगा या आप नया बनवा लीजिए। ठीक है, अगर आपको किसी को भी मतलब क्वेश्चन पूछना है पूछिए, मैं उस पर वीडियो ही एक ला दूंगा। ठीक है, आप लोगों के लिए हेल्प के लिए। चलो वीडियो